आसिफ खान कंट्रोवर्सी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एसआई समेत 3 जवानों को दिया इनाम। कहा, आपने सिचुएशन को अच्छे से संभाला। आसिफ खान कंट्रोवर्सी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एसआई समेत 3 जवानों को दिया इनाम। कहा, आपने सिचुएशन को अच्छे से संभाला। दिल्ली पुलिस। कांग्रेस नेता आसिफ खान पर आरोप है कि उन्होंने एसआई अक्षय के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें गालियां दी और उनके साथ धक्का मुक्की भी की। आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस लीडर आसिफ मोहम्मद खान कंट्रोवर्सी। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान के दिल्ली पुलिस के एसआई समेत 2 जवानों के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सब इंस्पेक्टर अक्षय और उनके साथ में मौजूद 3 और पुलिस के जवानों को 5,000 रुपए का इनाम दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने मौके पर मौजूद जवानों को शाबाशी भी दी है। सीपी संजय अरोड़ा ने ये कहते हुए कि जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपने सिचुएशन को अच्छे से संभाला। वेरी वेल डन। आसिफ मोहम्मद खान ने की थी बदसलूकी। दरअसल आरोप है कि पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान पुलिस पेट्रोलिंग टीम को धमकी दी और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। डीसीपी ईशा पांडे ने कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित तैयब मस्जिद के पास 20-30 लोगों की भीड़ लगी हुई है। पेट्रोलिंग टीम ने वहां जाकर देखा तो एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की पार्षद उम्मीदवार अरिबा खान के पिता और पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। वे लोग वहां माइक से उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसलिए भड़क गए आसिफ खान। इस पर एसआई अक्षय ने पूर्व विधायक आसिफ को चुनाव आयोग की अनुमति के बारे में पूछा तो वो गुस्सा हो गए। यही नहीं, आसिफ ने अपना पारा खोते हुए एसआई अक्षय के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें गालियां दी और उनके साथ धक्का मुक्की भी की। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में शिकायत दी जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस के एसआई समेत 2 जवानों के अभद्रता करने और उन्हें धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी विवादों में रहे आसिफ खान। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो अक्सर अपने कामों और बयानबाजी के लिए चर्चा में बने रहते हैं। इससे एक साल पहले भी यानी 2021 में एमसीडी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की थी। यही नहीं, आसिफ ने एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपीट के अलावा उन्हें मुर्गा भी बनाया था। उस समय भी एमसीडी कर्मचारियों के साथ अभद्रता किए जाने का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। ये दरवाजा तोड़ के अंदर से घसीट के लेके गए और दिल्ली पुलिस में भेड़चोड़।